हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये मेरा 39th वीडियो लेक्चर है टोटल मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे। वेलकम टू प्रोफेशनल कॉमर्स हंट यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। माई सेल्फ विनय कुमार सिंह टीचिंग यू चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। उससे रिलेटेड आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 12। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आपके साथ बनाने वाला हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाला हूँ, उसमें मैंने केस वन चर्चा किया था। बच्चे देखिए, आपसे क्या चर्चा किया था बच्चे, केस वन चर्चा किया था। जब मेरे पास नेट प्रॉफिट ज्यादा होता था अप्रोप्रिएशन से, डिस्ट्रीब्यूशन वाले आइटम से जो मेरा नेट प्रॉफिट होता था ज्यादा होता था, इस बार मेरा नेट लॉस हो गया। सेकेंड केस क्या है बच्चे, नेट लॉस का केस है बच्चे, आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, ऐसा करता आप समझ रहे हैं। आइए आपके साथ मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं। एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, एग्जांपल, अमित एंड रानी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब इनकी स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2019, और इस डेट को अमित और रानी दो जो पार्टनर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उन्होंने कैपिटल लगाया 5 लाख ईच। मतलब हर एक पार्टनर का इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 5 लाख रुपया है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार बोथ आर गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच। मंथली सैलरी, याद रखिएगा बच्चे, हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बनाते हैं, और यहाँ पे मंथली सैलरी दिया हुआ है 10,000, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है 50,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 दोनों को ईच, आई थिंक 10% के रेट से मिल रहा है। और इनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल रहा है अमित को 3,000 और रानी को 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है बच्चा, 3,000 और 5,000, ये मतलब गिवेन है। ये कैलकुलेशन नहीं करना है, ये क्वेश्चन में गिवेन है, गिवेन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 2 लाख। देखिए मेरे केस के अकॉर्डिंग है, जो मैं केस 2 बता रहा हूं। इस मतलब साल के दौरान ये जो फर्म है उसको लॉस हो गया। देखिए मेन पॉइंट को मैं अंडरलाइन किया हूं, आप भी क्वेश्चन पढ़ते समय प्लीज ये पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चंस आसानी से बने। बच्चे आपने देखा कि ये फर्म को लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया बच्चे, 2 लाख का लॉस हो गया। आपको जर्नल एंट्रीज पास करने हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं, और बुक्स क्लोजिंग डेट है फॉर्म का 31 मार्च। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चे, हर साल जो फॉर्म है अपना बुक्स क्लोज कर रहा है 31 मार्च को, यानी इन्होंने साल के स्टार्टिंग में ही बिजनेस स्टार्ट कर रखा था। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट तब होती जब इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरीथिंग इज गिवन, सो नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज गिवन। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें प्रॉफिट था और इस बार तो लॉस हो गया, अब हम क्या करें सर? कुछ नहीं करेंगे बच्चे, आप सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे, जो आपके आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है बच्चे, मैंने खोल रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा करते हैं, आपको नजर आ रहा है एकदम डिटेल में अच्छे से दिख रहा है। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके डेबिट साइड में, मैंने डेबिट और क्रेडिट भी मेंशन कर रखा है छोटा छोटा, अब ध्यान दीजिएगा। डेबिट साइड में आप लिख देंगे बच्चे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस, और नेट लॉस कितना हो गया बच्चे, 2 लाख। ये तो आसान था, अब कॉन्सेप्ट की बात क्या है सर, इसके अंदर इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट छुपा है जरा हमें समझाइए बच्चे। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात छिपा हुआ है, जिसको आपको, जिसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है बच्चे। आपको एक बता दूं बात कि अगर फॉर्म को लॉस होगा जो कि इस केस में है, तो आप यूं सोचो कि कहां से
कोई पार्टनर को फर्म सैलरी देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि चार्ज है, चार्ज रहता तो सोचते। यहाँ तो हम अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हम अप्रोप्रिएशन समझेंगे। तो पार्टनर को मिलने वाला सैलरी, पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है, और अप्रोप्रिएशन का अर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बंटवारा। अब जब तक की प्रॉफिट ना हो, जब तक की प्रॉफिट ना हो, पार्टनर्स कैसे बांटेगा? कोई पार्टनर कैसे सैलरी लेगा? कोई पार्टनर कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा? अरे भाई, प्रॉफिट हो तब तो मिले, प्रॉफिट में से ही तो दिया जाता है। अब इस केस में प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, और प्रॉफिट जब नहीं हुआ तो पार्टनर्स कहां से पार्टनर्स को फर्म सैलरी दे पाएगा, उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएगा? कोई सिचुएशन है ही नहीं, कोई कोई ऐसा है ही नहीं। अरे भाई, तुम यूं सोचो, तुमको लॉस हो गया तो तुम अपने आप को सैलरी कहां से दोगे? अपने आप को बता रहे हैं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन चार्ज रहता तो देना पड़ता। जैसे मैनेजर को सैलरी देना होता तो देते, इम्प्लॉय को सैलरी देना होता तो देते, लेकिन यहाँ तो पार्टनर्स को सैलरी देना है, मालिक को सैलरी देना है, इम्प्लॉय को तो नहीं देना है। तो मालिक सैलरी बिजनेस से कब लेगा? जब प्रॉफिट होगा, और यहाँ तो लॉस हो गया है। इट मींस कि लॉस के केस में पार्टनर्स को सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आप एकदम नोट कर लीजिए, लीजिए मैं आपको एक नोट लिखवा दे रहा हूं, छोटा सा नोट लिखवा दे रहा हूं, आप एकदम एकदम याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद करना है, हमेशा के लिए याद करना बच्चा। सैलरी टू पार्टनर्स दिख रहा है बच्चे, एंड सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आर नॉट अलाउड, मतलब गिवन बच्चे, अलाउड मतलब गिवन, लिख देता हूं ब्रैकेट में, बिकॉज क्यों, आप तो जानते हैं, बिकॉज द फर्म हैज इनकर्ड लॉस, फर्म को लॉस हो गया। वैसे स्थिति में किसी भी पार्टनर को सैलरी और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन, अगर पार्टनर्स का कमीशन भी होता तो नहीं देते। एकदम ध्यान से एकदम अपने दिमाग में बैठा लो, किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन, मतलब प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन तभी करेंगे जब प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट नहीं होगा और क्वेश्चन में कुछ स्पेशल बात लिखी हुई है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, तब कोई और बात होता है। यहाँ कोई स्पेशल बात नहीं लिखी हुई है, मतलब फर्म को एकदम दिया हुआ है कि लॉस हुआ है, और यहाँ पार्टनर्स का सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया हुआ है, कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि किसी पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। लेकिन उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जरूर लिया जाएगा, क्योंकि ये चार्ज तो नहीं है ना। चार्ज वाला आइटम तो डेबिट साइड में होता है, अप्रोप्रिएशन वाला आइटम भी डेबिट साइड में, ये तो लिया जा रहा है। अप्रोप्रिएशन मतलब बांटना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के बीच में थोड़ी ना बांटा जा रहा है, फर्म पार्टनर से ले रहा है, फर्म पार्टनर से ले रहा है। तो जरा बताओ ना, एक सरवाई का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था? अभी तो सर क्वेश्चन में 3,500 हमने पढ़ा था, तो कुछ नहीं बचे, यहाँ 3,000 और 5,000 आप लिख दो, और यहाँ टोटल 8,000 लिख दो। अब तो सर लॉस हो गया, हाँ बच्चे अब लॉस हो गया, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू दो पार्टनर अमित और रानी, तो अमित कैपिटल और दूसरा रानीस कैपिटल कितना लॉस हो गया बच्चे? देखो ना, 2,00,000 रुपए था, 2 लाख में से 8,000 घटाओगे तो आई थिंक 192,000 आएगा
और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं नहीं दिया होता, यह भी बहुत अच्छी बात है। कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया हुआ था, तो हम याद करेंगे अपने डिड को, पार्टनरशिप डिड सर ने पढ़ाया था, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। कब? जब डिड साइलेंट होता है, यानी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में जिक्र नहीं होता है। तो जब भी प्रॉफिट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, इसका मतलब डिड साइलेंट है। वैसे स्थिति में हम इक्वली डिवाइड करेंगे, और इक्वली डिवाइड करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि है 96,000 और 96,000। बच्चे समझ गए ना एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लो 96,000। मतलब फिर से मैं इसको बहुत ही स्ट्रेस दे रहा हूँ इस पॉइंट पे कि बच्चे लॉस होगा तो बंटवारा किस चीज का होगा? केवल लॉस ही को ना, सैलरी और इंटरेस्ट एंड कैपिटल कहाँ से देंगे? क्योंकि हम जो सैलरी देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, वो प्रॉफिट में से देते हैं बच्चे। प्रॉफिट में से सैलरी दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, कमीशन ये पार्टनर्स का बच्चे, याद रखिएगा, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन, क्योंकि इसको बोलते हैं बच्चे अप्रोप्रिएशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को अलग अलग जगह पे बांट दिए, जिस पार्टनर को सैलरी देना है सैलरी दे दिए, कमीशन देना है कमीशन दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। लेकिन इस क्वेश्चन में तो लॉस हो गया था, और लॉस के केस में कुछ नहीं दिया जाता है, समझ गए ना बच्चे? अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। सबसे पहली बात जर्नल एंट्री अगर हम बात करें तो 2020 में ही तो करेंगे, मार्च 31 को सारा जर्नल एंट्री करेंगे, डेट भी कोई दिक्कत नहीं। क्या जर्नल एंट्री पहला होगा भाई? प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर हो रहा है, देखो लॉस ट्रांसफर हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ बच्चे एकदम आपको याद हो गया, तो लो लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रिएशन अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये बच्चे कितने था? 2 लाख था। क्रेडिट साइड में भी 2 लाख लिख देंगे, और हम नरेशन लिख देंगे ट्रांसफर ऑफ लॉस। ठीक है बच्चे, एकदम क्लियर है? आइए नेक्स्ट में मार्च 31 को हम क्या करेंगे बच्चे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप जो देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका हम ओपनिंग एंट्री करेंगे। याद करो इसका 2 एंट्री होता था, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ओपनिंग एंट्री क्या होगा तो आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है तो इनकम क्रेडिट होगा, तो अमित्स कैपिटल अकाउंट DR, अमित्स कैपिटल अकाउंट DR, रानीस कैपिटल अकाउंट DR, रानीस कैपिटल अकाउंट DR, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैसे हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है और इनकम क्रेडिट होता है। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था बच्चे? एक का था 3,000 और दूसरे का था 5,000, ये टोटल हो गया 8,000। यहाँ नरेशन आप लिखना चाहे तो लिख दो, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया। हाँ बच्चे लाइन तो खींच सकते हैं आप, बोलने की जरूरत नहीं है। आइए मार्च 31 को हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्लोज करते हैं। याद करो जब भी किसी एंट्री को क्लोज करते हैं, अगर वो क्रेडिट है तो हम डेबिट कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट DR टू। अब देखो ना कहाँ ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो लिख देंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चे। नेडेशन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चे। अब कितना है पूरा इंटरेस्ट ले लेंगे बच्चे, 8000, 8000, क्लियर आ गया। अब सर मार्च 31 को एक और एंट्री होगा इस प्रॉफिट का, सॉरी इस लॉस का, तो सोचो ना क्या एंट्री होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर वाला ऑलवेज डेबिट होता है ना, लेजर से जर्नल बनाएंगे तो ये वाला डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, तो क्या एंट्री होगा बच्चे, तो समझो ना, अमित कैपिटल अकाउंट डीआर, उसके बाद रानीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेडेशन क्या लिख देंगे, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो लॉस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, कितना दोनों का, तो 96,000 था बच्चा लॉस, अभी 96,000 टोटल मिलके 192,000 हुआ था। सर इसको एक बार और समझा दिए, लो बच्चे समझा दिया, जब भी लॉस होगा ना तो पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, ठीक है बच्चे। अब पीएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, अब ये भी क्या हो रहा है, लॉस उसमें ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भी क्रेडिट हो गया बच्चे, क्लियर है ना, हम उठा के कैपिटल अकाउंट को घटा दिया और वो लॉस ट्रांसफर कर दिया, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उठा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आशा करते हैं बच्चे ये कॉन्सेप्ट नंबर टू आप समझ चुके होंगे, आइए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट नंबर थ्री पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए बाय। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा मजा आएगा मुझे भी, थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, थोड़ा बातें मुझसे कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कोई डाउट पूछिए, थैंक यू बच्चे, बाय।